एक तो आरोप ये लगाएंगे कि मैं तो ऑलरेडी ठगा जा चुका हूँ, समालखा की पब्लिक ठगा ना जाए क्योंकि उनका नामांकन गलत है। मैं चाहूंगा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन उसकी एक पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, प्रूव करे कि उन्होंने अपनी FIR मेंशन नहीं करी है। और इसके अलावा जो दो प्रॉपर्टियां उन्होंने मेंशन करी हैं मेरे एग्रीमेंट के अंदर, अगर वो कहते हैं उनकी है, अगर उन्होंने एग्रीमेंट में मेरे मेंशन करी हैं तो वो उनके एसेट कॉलम में आनी चाहिए थी वो दो प्रॉपर्टीज। मेरा ये मानना है, जानने की कोशिश की। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टियां नहीं है, मैंने तो ऐसे ले दी एग्रीमेंट के अंदर, फिर हमें देखना पड़ेगा कि 420C का मुकदमा दर्ज किया जाए या क्या। क्या मुकदमा था? वो मुकदमा साउथ ईस्ट का था, इन्होंने साउथ ईस्ट की प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई थी मेरे नाम पे 2016 में, और वो प्रॉपर्टी में ये एक डेढ़ साल बाद ताले तोड़ के घुस गए थे, जिसको मैंने खाली कराने की कोशिश करी, जो मेरे कहने पे इन्होंने खाली नहीं करी। और उसका मैंने फिर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में दिल्ली में कंप्लेंट दर्ज कराई हमने दिसंबर 2018 में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद मई 2019 में उसकी उक्त धाराओं के अंडर, उक्त धाराएं जो कि कॉपी आपको प्रोवाइड करा दी गई है, उक्त धाराओं के अंदर क्रिमिनल FIR दर्ज की गई है धर्म सिंह और उनके भतीजे राजवीर के खिलाफ। मुझे कॉपी नहीं मिली थी, मेरे को नामांकन की कॉपी लेट मिली है, नहीं तो मैं ये पहले ही उजागर कर देता, आज से पहले ही कुछ दिन पहले उजागर कर देता कि नामांकन की कॉपी लेट मिली है मुझे, और सारे तथ्य चेक करने के बाद ही हमें मीडिया के पास आना चाहिए। अगर मैं पहले आता, सारे सबूतों के साथ नहीं आता, तो फिर वो गलत होता, किसी पे गलत इल्जाम लगा। चुनाव आयोग में जा रहे हैं इसको? मैं चुनाव आयोग में जाऊंगा और उनसे अपील करूंगा कि इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस महीने इन्होंने मेरे को 3.5 करोड़ के और 3 करोड़ के दो चेक हैं, कुल अमाउंट 6.5 करोड़ की है, जो कि बाउंस हो गए हैं, और उनको मैंने ये भी कहा था इसकी पेमेंट की जाए, तो वो कह रहे हैं जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इलेक्शन के बाद देखूंगा क्या। सर आपके साथ ठगी कितने टोटल अमाउंट 50 करोड़ की है, 43 करोड़ का चेक इनके बेटे के नाम सिकंदर के नाम, केस ऑलरेडी चल रहा है जिसमें उसके ऑलरेडी अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं, गुड़गांव पुलिस से अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं 1 अक्टूबर 2019 को, और गुड़गांव की पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है। ये तो कहीं ना कहीं हमारा समर्थक का दुर्भाग्य है कि ऐसे आदमी को पहले विधायक बना दिया, और कांग्रेस का भी दुर्भाग्य कि ऐसा प्रत्याशी उतार दिया जो 100 करोड़ की ठगी, 50 करोड़ की ठगी, और उसका बेटा जो है सुभान अल्लाह, मतलब वो प्लाटों पे कब्जे कर रहा है। यदि इसके हाथ में कुछ आ गया तो समड़खे वाले को बख्शेगा नहीं है। मैं समड़खे वासियों को ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ। एक मैंने ठगी चोरी चकारी तो दूर की बात है, किसी का दिल भी दिखाया हो तो मेरे कान पकड़ के मेरे को यहाँ से निकाल देना। वो बौखलाए गए उनके, क्या क्या करते हैं बौखलाने हैं, किसी का ब्लैक मेल आदमियों को फायदा है किसी इंसान का? अगर मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज होता है फिर मैं चुनाव लड़ सकता था? ऐसे अपने आप ही सोच लीजिए इस बात को, ये सब ब्लैक में सब बौखलाए विपक्षी हैं, पता है क्या क्या कहते हैं लोग, तो क्या क्या लगाते हैं। मेरे ट्रैक्टर में किसी पर व्यक्ति की दलील लगाना मेरा फर्ज नहीं है, राजनीतिक लड़ाई लड़ता हूँ, और व्यक्ति ब्लेम लाना क्लेम लाना हो तो अगर आप चुनाव में ब्लैक में लगते हैं कि अगर है तो उसी दया ना मेरे सामने, आप आपके सामने लोगों के सामने मेरे सामने आए। अरे होता बेटा तो घुम रहा है, जमा जमा करते बेटा घुम रहा है, यहाँ करते ये सब ब्लैक मेल है, सब ये बुखलाता ना जब है।